नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे अगला वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, वेक्टर से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे, चूँकि सदिश। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं जो चैप्टर्स होते हैं सदिश से हम लोग रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे। और जैसे इस चैप्टर में जो है, अगर बात करें तो समतल में गति, इस टॉपिक को देखेंगे। समतल में गति, समतल में गति ये चैप्टर है। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आता है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। चूँकि भौतिक राशियों को मैंने दो भागों में डिवाइड करना आपको बताया था कि वो जो डिवीजन होता है परिमाण और दिशा के आधार पर, तो उसमें सदिश और अदिश, सदिश और अदिश के बारे में मैंने बताया था। समांतर चतुर्भुज का नियम भी बताया था, परिणामी निकालना बताया था, एंगल वगैरह सारा चीज़ निकालना बताया था। आप इससे पहले के वीडियो देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग चलेंगे सदिश राशिया का मतलब होता है, चलिए मैं समझा ही दे रहा हूँ थोड़ा सा। सदिश, सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण प्लस क्या हो, दिशा हो। परिमाण प्लस क्या हो दोस्तों, दिशा। तो परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन, ये होगा। तो दो चीज़ों का होना जरूरी है सदिश के लिए, क्या चाहिए परिमाण और क्या चाहिए दोस्तों, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, डी आई आर ई सी टी आई एन प्लस है। ठीक है, और चूंकि सदिश राशियों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि आपको कॉन्सेप्चुअली मालूम होगा कि सदिश राशियों का वर्गीकरण, तो चलिए दोस्तों देखते हैं सदिश राशियों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ऐसे कभी कभार छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सदिश राशियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। पहला जो आता है, पहला हम लोग देखेंगे समान सदिश, समान सदिश, यानी इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो अगर हम समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर की बात करें, ठीक है दोस्तों, समान सदिश यानी हम लोग किसकी बात करें, इक्वल वेक्टर की बात करें, तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो ही हो, उसके साथ साथ इसकी दिशा भी क्या हो, एक समान हो। तो परिमाण ए हो गया वेक्टर ए, और ये क्या हो गया वेक्टर बी। ये बताइए दोस्तों, दोनों का डायरेक्शन सेम है, समान सदिश तभी कहलाएगा जब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये मॉडुलस इसलिए निकाला जाता है क्योंकि इसका परिमाण निकाला जाता है, मान निकाला जाता है। तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, और डायरेक्शन में भी क्या है दोस्तों, एक ही है। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब सेम होता है तो उस केस में हम कहेंगे कि वह सदिश क्या कहलाता है, समान सदिश कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इससे अगला जो टॉपिक लेंगे, दूसरा जो होता है एकांक सदिश, एकांक सदिश जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप लिख सकते हैं, जहाँ ए है ना, इसको बोलेंगे यूनिट, पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ए, ए। या आप इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में लिखना है चाहते हैं तो एकांक सदिश ए, या आप इसी को ए कैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोपी लगी होती है, तो
इसी को क्या बोलते हैं, ए कैप। तो यूनिट वेक्टर ए बोलिए, एकांक सदिश ए बोलिए, या ए कैप बोलिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एकांक सदिश अगर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ क्या होता है, वेक्टर ए। और एकांक सदिश का मतलब वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसे ही क्या कहते हैं, एकांक सदिश। तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन भी बना सकता है कि एकांक सदिश के फॉर्मूले से दे सकता है, या कह देगा कि एकांक सदिश से होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव दे देगा जिसका परिमाण एक हो, जिसके परिमाण एक से अधिक हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, या कुछ और भी दे दे ऑप्शन। तो क्या होता है, एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। तो इस तरीके से ये दो टॉपिक क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, एकांक सदिश के बाद हम लोग देखेंगे अगला। अगला जो टॉपिक है तीसरा, लंब कोणीय एकांक सदिश। अगर तीसरे की बात करें हम लोग तो लंब कोणीय एकांक सदिश, ठीक है दोस्तों, लंब कोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखिए ये लंब कोणीय एकांक सदिश क्या कहलाता है, चूँकि आपको पता है कि जो एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तीन डायरेक्शन में हमने एक्सिस लिया, एक एक्स, ये वाई, और ये वाला सेक्शन क्या ले लीजिए, जेड, ये ओ है ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पर हम किसको डिनोट करते हैं, आई से, y को किसको डिनोट करते हैं, j से, और इसको डिनोट करते हैं किससे, k से। तो यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, और ये वाला सेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर k। इस तरीके से x एक्सिस पर जो हम x एक्सिस पर अगर हम लोग दिखाएं एकांक सदिश तो यूनिट वेक्टर i होता है, y पर यूनिट वेक्टर j, और z पर क्या होता है, यूनिट वेक्टर k होता है, ठीक है। और चूँकि लंब कोणीय अक्ष का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड को जब दिखाते हैं तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, एंगल क्या बनाते हैं, लंब कोणीय अक्ष एक्स वाई जेड, ठीक है। कि देखिए ये ऑर्थोगोनल होते हैं यानी लंब कोणीय एकांक सदिश का मतलब एक्स वाई जेड को दिखाया गया और उसमें यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, और यूनिट वेक्टर के दिखाया जाता है। तो इसे ही जो कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। अब देखिए चूंकि अगर आप ध्यान दें तो मॉडुलस ऑफ अगर यूनिट वेक्टर आई निकालें, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर जे निकालें और मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर के निकालें तो इसकी वैल्यूज कितनी आती है दोस्तों, वन आती है। तो इस बात को कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना कि जब भी हम आई का मॉडुलस निकालेंगे, जे का मॉडुलस निकालेंगे और के का क्या निकालेंगे, मॉडुलस, तो इसकी वैल्यूज कितनी आती है दोस्तों, वन आती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जब एक्स वाई जेड को उसमें यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के क्रमशः एक्स वाई जेड में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स एक्सिस पर आई को दिखाते हैं, वाई पे जे कैप को दिखाते हैं और जेड पर के कैप को दिखाते हैं, और इनकी मैग्नीट्यूड्स निकाली जाए यानी परिमाण निकाला जाए तो कितना आएगा, एक आता है। चलिए अब आगे देखते हैं, लंब कोणीय हो गया। चलिए दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब हम लोग अगला देखेंगे चौथा। चूंकि ये वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर के रूल होते हैं, वेक्टर्स के जो होते हैं कई भाग होते हैं, कई प्रकार होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। कह सकते हैं विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, सॉरी विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, ठीक है दोस्तों, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, यानी कह सकते हैं आप अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये अब देखिए विपरीत बोला है, विपरीत और ऋणात्मक का मतलब ये हुआ
हमने मान लिया कि ये सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, तो ये आप ध्यान रखें, ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर बी। तो इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अगर एक राइट चल रहा है तो दूसरा कहाँ चले दोस्तों, लेफ्ट चले। तो इस तरीके से जो हमें सदिश प्राप्त होती है उसे कहते हैं विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, यानी अपोजिट वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेक्टर ए बराबर होगा किसके, माइनस वेक्टर बी के। किसके बराबर होगा दोस्तों, वेक्टर ए बराबर होगा किसके, माइनस वेक्टर बी के, क्योंकि इनके परिमाण तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, समरेखीय सदिश। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं समरेखीय कोलिनियर वेक्टर्स, समम रेखीय सदिश जिसको हम कोलिनियर बोलते हैं, COLLINEAR वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे इसके थोड़े डेफिनेशन को लिख लेते हैं, समान अथवा समान परिमाण के इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, समान तथा असमान परिमाण के, समान तथा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं, समांतर होते हैं या समांतर हो, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समान तथा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर होते हों समरेखीय सदिश क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर, तो देखिए दोस्तों, तो इस केस में क्या कहा है, समान तथा असमान परिमाण, तो ये बताइए। तो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ क्या हो सकता है, जैसे वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर बी। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की क्या है दोस्तों, समान भी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों क्या है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, समान भी है। तो समान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर, तो ये दोनों परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है। तो इस तरीके से ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समरेखीय सदिश कहलाएंगे। या दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो, अगर ये सी है और यहाँ से ये लंबा आप ले लें डी, तो ये बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है, परस्पर समांतर है और परिमाण में क्या है, डिफरेंट है, असमान है, तब भी ये क्या कहलाएंगे, समरेखीय कहलाएंगे। अगर कुछ ऐसा केस आ जाए कि दोनों बराबर तो जरूर हैं, दोनों बराबर हैं, ई और एफ ले लिया जाए, वेक्टर ई और वेक्टर एफ दोनों बराबर जरूर है लेकिन परिमाण में समान है, दिशा में क्या है दोस्तों, अपोजिट है। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये कह सकते हैं कि ये भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। और ये भी केस ले लीजिए आप, थोड़ा एक बड़ा और छोटा ले लीजिए, ई और एफ, जी ले लीजिए, वेक्टर जी और वेक्टर एच, इस तरीके से बड़े छोटे का भी केस ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे सदिश क्या कहलाते हैं, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समरेखीय सदिश का मतलब ये होता है कि समान तथा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, समांतर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके परिमाण बराबर ही हो, उनके परिमाण बराबर भी हो सकते हैं, क्या से हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और यहाँ डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है और अपोजिट हो सकती है। क्योंकि दो वेक्टर समांतर होते हैं तो समांतर के केस में दोनों का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि
समांतर का मतलब ये नहीं हुआ कि परिमाण समान ही होगा, परिमाण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, और उनके डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है समरेखीय सदिश। मैंने इसको पूरा डिटेल आपको फिगर वाइज समझाया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे समतलीय सदिश। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे समतलीय सदिश। नाम से ही स्पष्ट है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश, इसको दोस्तों बोलते हैं कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर NAR होता है वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोप्लैनर वेक्टर, यानी कह सकते हैं कि वे सदिश जो क्या होते हैं एक ही प्लेन में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं कोप्लैनर। जैसे एक सदिश वेक्टर ए हो गया, हमने ये ले लिया वेक्टर बी, यहीं से एक पैरेलल ले लिया उठा लिया वेक्टर सी, कहीं हमने अपोजिट कर दिया वेक्टर डी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वे सारे सदिश जो क्या होते हैं एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। ये बताइए ये व्हाइट बोर्ड है, एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में ही तो ए बी सी डी, भले इनके परिमाण बराबर हो नहीं हो, समान हो असमान हो, सारे चीज़ यानी जब एक ही प्लेन में स्थित जितने भी सदिश होते हैं वहीं क्या कहलाता है समतलीय सदिश, यानी कोप्लैनर वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से वे सारे सदिश जो एक ही प्लेन में स्थित होते, जैसे यह एक्स है और ये वाला हिस्सा कहाँ होगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा वाई वाला होगा, तो एक्स वाई प्लेन हुआ, यानी ये व्हाइट बोर्ड एक्स वाई प्लेन है और इसी एक्स वाई प्लेन में ए बी सी डी सारे वेक्टर हैं, चाहे इनके परिमाण सेम है अपोजिट है, इनके डायरेक्शन सेम हो सकते हैं अपोजिट हो सकते हैं, तब इस टाइप के जितने भी वेक्टर्स इस प्लेन में स्थित होते हैं उन सारे प्लेन वाले वेक्टर को ही क्या कहते हैं कोप्लैनर वेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी समतलीय सदिश कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं शून्य सदिश। नाम से ही स्पष्ट है जीरो वेक्टर के नाम से जाना जाता है शून्य सदिश। शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर शून्य सदिश, यानी वे सदिश जिसका परिमाण क्या हो दोस्तों शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि शून्य सदिश को किससे दिखाते हैं जीरो से, इसके ऊपर बार लगा के जीरो रखा जाता है, ठीक है, शून्य सदिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में तो पहले ही मैं बता चुका था कि वे परिमाण और जिसे दिशा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं सदिश कहते हैं, उनके वर्गीकरण के बारे में आज हमने बताया। अब हम लोग देखेंगे कि दो सदिश राशियाँ हैं तो उन दो सदिश राशियों में दो चीज़ें होती, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब सदिश गुण और डॉट प्रोडक्ट का मतलब अदिश गुण, यानी दो सदिश राशियों का गुणन जो होता है या तो अदिश हो सकता है या सदिश हो सकता है, यानी दो प्रकार का गुणन होता है अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो जो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो सदिश और अदिश गुणन के ऊपर चलेगा। फिलहाल आज हम लोग इससे रिलेटेड एक दो सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आते हैं, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में उसको लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन तो बोला है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। एक वस्तु का प्रारंभिक, एक वस्तु का प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर r1 = i-4j+2k मीटर तथा 2 सेकंड पश्चात
पश्चात उसका सदी स्थिति सदिश वेक्टर आर टू इक्वल्स टू फोर आई माइनस सिक्स जे माइनस फाइव के मीटर है कण का विस्थापन सदिश तथा उसकी चाल ज्ञात कीजिए तथा उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन बोला है, विस्थापन सदिश तथा क्या बोला है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ये बताइए विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो चूंकि आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक स्थिति सदिश के बारे में दिया हुआ है वेक्टर आर वन, क्या दिया हुआ आर वन यूनिट वेक्टर आई माइनस फोर यूनिट वेक्टर जे प्लस टू यूनिट वेक्टर के, तथा दो सेकंड के बाद यानी कोई व्यक्ति है उसका स्थिति सदिश प्रारंभ में ये था और दो सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति सदिश जो है चेंज हुई है वेक्टर आर टू इक्वल्स टू क्या हो गया फोर आई माइनस सिक्स जे और माइनस क्या हो गया फाइव के हो गया। तो कण का विस्थापन सदिश चूंकि वेक्टर आर पूछा है, वेक्टर आर बराबर क्या होगा आर टू माइनस आर वन, तो आप देखिएगा आर का मान कितना होगा फोर आई माइनस सिक्स जे माइनस फाइव के, और देखिए दोस्तों माइनस से गुणा करते चलेंगे तो माइनस आई माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा टू के। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसलिए वेक्टर आर निकालना चाहे तो क्या होगा चार में से एक गया तीन, अब देखिए छः है और चार है तो छः का जे और ये तो दो होगा तो माइनस टू जे, और ये देखिए पाँच दो सात माइनस सात के। तो इस तरीके से हमने वेक्टर आर तो निकाल लिया, विस्थापन सदिश तथा उसकी चाल, चाल पूछा है ना दोस्तों, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय यानी विस्थापन बटे क्या होगा समय, तो टाइमिंग दिया हुआ है लेकिन विस्थापन चूंकि चाल एक क्या है दोस्तों अदिश राशि है और अदिश राशियों के लिए हमें क्या डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इस डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे यानी विस्थापन का हम क्या ज्ञात करेंगे मैग्नीट्यूड परिमाण। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू अंडर रूट में अब तीन का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस दो का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस सात का स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर डाल के इसके आई जे के गुणांकों को सॉल्व करते हैं। तो ये नौ हो गया, ये चार हो गया और ये क्या हो गया उनचास हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा उनचास चार कितना होगा तिरपन, तिरपन सात कितना होगा साठ और साठ दो बासठ, इतना मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू रूट बासठ आ गया है। ठीक है दोस्तों रूट बासठ हुआ है। ठीक है अब हम लोग देखते हैं ये तो हो गया रूट बासठ हो गया, अब पूछा है आपसे चाल और जैसा कि आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चूंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो विस्थापन ही अब क्या हो गया विस्थापन भी कह सकते हैं। तो विस्थापन कितना था रूट बासठ और टाइमिंग कितनी थी दो। तो इस तरीके से आप अगर निकालना चाहें इसको सॉल्व करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है चलिए यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा हो जाएगा, रूट बासठ की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना होगा बासठ छः छः के छत्तीस सात सत्ते उनचास, ठीक है सात जोड़ेंगे चौदह होगा और यहाँ से बारह में से नौ गया तीन पाँच में से चार गया कितना होगा एक, दशमलव बढ़ाएंगे एक जीरो मतलब कुल मिला के सेवन पॉइंट कुछ आएगा, यानी आप ओवरऑल अगर इसका आंसर देखें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा 3.9 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट इस आंसर को लिख दिया हूँ, आप रूट बासठ के वैल्यू निकाले दो से भाग दीजिए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों तो इसी तरीके से
इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं भी प्रॉब्लम आती है या कहीं भी पूरे वीडियो में जहाँ भी देखते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखने से हमें ऐसा लगता है कि हाँ आपको समझ में आया नहीं आया, तो जो भी होगा आप अपना व्यू दें, व्यू देने से ही पता चलेगा कि आखिरकार चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आप सुझाव दें, कोई भी चीज़ लिखें, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।